हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। माय नेम इज विजय सर, आपका स्वागत है आज के मेरे इस क्लास में। मैंने पिछले क्लास में आपको टाइम एंड वर्क से संबंधित 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे खुशी है कि पिछले वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए है और बी, ए और बी जो है कहता है एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये हो गया 12 दिन, पर हमें यहाँ पे बनाने वक्त में दिन का जरूरत नहीं पड़ता है। इस दिन को हम काम में बदलते हैं, और काम में बदलने के लिए क्या करते हैं, दिन को हम उल्टा कर देते हैं। तो ये 12 को हम कर देंगे 1/12। अब ये दिन नहीं है, अब ये बन गया काम, तो 1/12 काम हो गया। फिर लिखा बी और सी इसे 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी जो है इसे 8 दिन में कर सकता है। तो 8 दिन है, अब हम 8 दिन को क्या करेंगे, इसे हम काम में बदलेंगे। काम में बदलने का मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे। तो 8 दिन को हम 1/8 काम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/8 काम, 1/8 काम। उसके बाद सी और ए इसी काम को करने में 6 दिन लगाता है। तो ये हो गया 6 दिन। अब हम 6 दिन को क्या करेंगे, काम में बदलेंगे। तो ये 1/6 काम हो जाएगा, 1/6 काम। अब यहाँ पे इस काम को अकेले करने के लिए इसे करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे ए बी सी में कौन अकेले काम करेगा, ये ऑप्शन क्वेश्चन में कुछ इरर है, कुछ गलत है यहाँ पे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तीनों मान निकालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं हमें ए या बी या सी निकालना है। तो हम देखते हैं तीनों को जोड़ेंगे, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और इधर जो 2 रहता है, इधर आने पे 1/2 बन जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/6, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 12, 8, 6 का एलसीएम जो होता है 24 हो जाएगा। 24 होगा तो 12 का 12, 12 दुना 24, 2 बार में आएगा। 8, 3, 24, 3 बार में आ गया। 6, 4, 24, 4 बार में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 गुना का चिन्ह दिए, अब हम इसको जोड़ते हैं। तो 4, 3, 7, 2, 9/24, इसको काटेंगे तो ये 3 होगा, इसको काटेंगे तो ये 8 होगा। 3 किया 9, 3 8 24, तो इस प्रकार से 3/16 काम आंसर आ गया। पर हमें ए बी सी में किसका मान पूछ रहा है ये चेक करना है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे सी का वैल्यू पूछा गया है, तो सी का वैल्यू पूछा जाएगा, इसका मतलब ए बी घटाएंगे, और ए का वैल्यू पूछा जाएगा तो बी सी घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 3/16 में और 1/8 घटाते हैं, तो ये होगा एलसीएम 16, ये 3 - 8 × 16, 1/16 आया। तो ऑप्शन 16 है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे सी प्लस ए घटाना है, इसका मतलब बी का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे B का वैल्यू पूछा गया है कि B का वैल्यू क्या है। तो B का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B बराबर यहाँ पे होगा A प्लस B प्लस C। अब A प्लस B प्लस C में से हम क्या करते हैं, B निकालना है, इसका मतलब A और C को घटाएंगे, तो A प्लस C को घटा देते हैं। A प्लस B प्लस C का जो वैल्यू है यहाँ पे 3/16 आ गया, माइनस A प्लस C का जो वैल्यू है वो 1/6 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 + 48 आ जाएगा,
तो 16 3 48 तीन बार में, 3 3 9 हो गया, 6 6 48 आठ बार में, तो ये आ गया 1/48, 1/48 आ गया। अब ये 48 जो है ये काम है, काम को हम क्या करते हैं, दिन में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 48 दिन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो 48 होगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सही है 48। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 समझने से पहले हम एक फॉर्मूला समझते हैं कि यहाँ पे आदमी है, आदमी, उसके बाद आदमी के बाद दिन है, दिन के बाद, दिन के बाद घंटा है, घंटा के बाद कार्य है। जब ये चार शब्द का यूज हो तो इसको हम बोलते हैं, आदमी को मैन इसलिए एम लिखते हैं, दिन को बोलते हैं डे इसलिए डी लिखते हैं, घंटा को बोलते हैं आवर इसलिए एस लिखते हैं, और काम कार्य को बोलते हैं डब्लू इसलिए इसको कार्य को डब्लू बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एम डी एच, एम डी एच बटे डब्लू बराबर एम वन डी वन एच वन और ये डब्लू वन। उसी तरह यहाँ भी एम टू डी टू और एच टू, अब बटे में होगा डब्लू टू। तो ये एक फॉर्मूला है, है ना, इस फॉर्मूला का यूज हम तब करते हैं जब क्वेश्चन में आदमी दिन घंटा और कार्य का चर्चा किया गया है। आदमी दिन घंटा और कार्य का जब चर्चा किया जाता है तो हम एम डी एच डब्लू फॉर्मूला यूज करते हैं, एम डी एच डब्लू फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई कार्य संपन्न करते हैं, मतलब पी जो है, पी ये आदमी है तो पी गुने, उसके बाद दिन भी पी है तो पी गुने, उसके बाद घंटा भी पी है तो पी गुने, और बट्टे में आएगा कार्य तो कार्य भी यहाँ पे पी दिया हुआ है, कार्य भी क्या है पी है। उसी तरह यहाँ पे आदमी क्या है एन है, एन आदमी क्या दिया हुआ है यहाँ पे एन, तो लिख दिए एन गुने, उसके बाद दिन भी एन है फिर से एन गुने, इसके बाद घंटा भी एन है तो एन गुने, और बट्टे में होगा डब्लू टू, और ये डब्लू टू यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं डब्लू टू, डब्लू टू, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक पी से एक पी कट गया तो ये बनेगा पी स्क्वायर, आ इधर देखेंगे तो ये बन जाएगा एन के पावर 3 और बट्टे में बनेगा डब्लू टू, बट्टे में कुछ नहीं तो एक है। अब हम कोना कोनी गुना करेंगे तो ये जो है ऊपर आ जाएगा और पी स्क्वायर जो है नीचे जाएगा, तो यानी ये डब्लू टू का जो वैल्यू निकलेगा वो एन क्यूब बट्टे में पी स्क्वायर, एन क्यूब बट्टे में पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकता है, ए और बी काम को जो है कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। तो 30 दिन को हम काम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/30 काम हो जाएगा, 1/30 काम हो जाएगा। बी और सी 20 दिन में करता है, बी और सी 20 दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है, इसको काम में बदलेंगे तो 1/20 काम होगा, 1/20 काम हो जाएगा। अब हम देखेंगे सी और ए जो है ये 15 दिन में काम करता है, अब 15 दिन को हम काम में बदलेंगे तो 1/15 काम होगा, 1/15 काम। तो इसमें बोला गया क्या, यदि वे सभी मिलकर काम करें, यानी तीनों को जोड़ देना है, तो जोड़ना है यानी ए प्लस बी प्लस और ये सी है, तो इसमें हम ध्यान देंगे 2 ठो ए है 2A, 2B है 2B,
टू सी है, टू सी। तो यहाँ पे जो टू आएगा वही टू इधर आके एक बट्टे दो बनता है और इस पूरे को जोड़ देना है। तो एक बट्टे तीस को जोड़ना है, एक बट्टे बीस को जोड़ना है और एक बट्टे पंद्रह को जोड़ना है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा साठ। इसका जो एलसीएम होगा वो साठ होगा। तो तीस दुना साठ दो बार में, पंद्रह बीस दिया साठ तीन बार में, पंद्रह चौका साठ चार बार में। तो इस तरह से वन बाई टू गुने ये हो जाएगा नौ बट्टे साठ, नौ बट्टे साठ। तीन से काटेंगे तीन बार में, तीन से काटेंगे बीस बार में, और तो ऊपर आ गया थ्री और नीचे में आ गया साठ, बीस दुना चालीस आ गया। नीचे में जो है वो बीस दुना चालीस आ गया। तो ये काम है, ये क्या है? काम है। इस काम को हम क्या करेंगे? दिन में बदलेंगे। तो चालीस ऊपर होगा, तीन नीचे आएगा, तो ये दिन में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कि इसको अगर हम पूर्णांक में लाएंगे तो तीन से भाग देना पड़ेगा चालीस में, और यहाँ पे तेरह या उनचालीस एक ही बार में लगा देते हैं तो ये बचेगा एक। पहले तेरह लिखना है, फिर एक लिखना है, फिर से ये तीन लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो पूर्णांक होगा तेरह पूर्णांक एक बटे तीन दिन हमारा आंसर होगा, तेरह पूर्णांक एक बटे तीन। ऑप्शन नंबर चार जो है हमारा सही है, ऑप्शन नंबर चार जो है वो हमारा सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह पे। क्वेश्चन नंबर तेरह क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तेरह कहता है ए एक काम को चार घंटे में कर सकता है। तेरह कहता है क्या? ए जो है ए काम को चार घंटे में कर सकता है। घंटा को हम क्या करेंगे? घंटा को हम क्या करेंगे? काम में बदलेंगे, तो एक बटे चार काम होगा। आगे बढ़े तो पता चला बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर इसे तीन घंटे में पूरा कर सकता है, तीन घंटे में पूरा कर सकता है। तो ये एक बट्टे तीन काम होगा, एक बट्टे तीन काम। फिर ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर इसे दो घंटे में पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब एक बट्टे दो काम होगा, एक बट्टे दो काम। तो कहता बी अकेले इसे कितने समय में पूरा करेगा, है ना? बी के बारे में निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू लेंगे और यहाँ पे बी प्लस सी का। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक बट्टे चार। और यहाँ पे बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक बट्टे तीन। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा। अब ये हो गया चार किया बारह, तो ये चार किया बारह और ये तीन चौका बारह, तो ये निकल गया सात बट्टे में बारह। ये काम है, सात बट्टे में बारह क्या है? काम। अब कहता है ए प्लस बी प्लस सी में, ए प्लस बी प्लस सी में हम क्या घटाएंगे कि हमें केवल बी चाहिए। तो बी लाने के लिए हमें ए प्लस सी को घटाना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे निकला सात बट्टे बारह। अब क्या करेंगे? ए प्लस सी, ए प्लस सी जो है ये वाला ए प्लस सी है, इसको हम घटाएंगे तो एक बट्टे दो आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो बारह ही आएगा, ये सात हो गया और ये हो जाएगा छः गुना बारह। तो इस प्रकार से एक बट्टे बारह काम हुआ। अब इस काम को हम क्या करेंगे? घंटा में बदलेंगे तो बारह घंटा हो जाएगा, बारह घंटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तेरह का जो आंसर है वो तेरह है, बारह है। ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तेरह के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, बारह। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह पे। क्वेश्चन नंबर चौदह क्या है? क्वेश्चन नंबर चौदह है ए अकेले किसी कार्य को बारह दिन में कर सकता है। ए जो है किसी भी काम को बारह दिन में करेगा। अब बारह दिन में करता है तो इसको हम क्या करेंगे? काम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक बटे बारह काम हो जाएगा। उसके बाद बोला ए और बी मिलकर, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर किसी भी काम को आठ दिन में पूरा कर सकता है। तो आठ दिन को हम क्या करते हैं? काम में बदलेंगे, तो एक बटे आठ काम होगा, एक बटे आठ काम। उसके बाद पूछ रहा है बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हम क्या करते हैं? बी निकालते हैं। बी कब निकलेगा? जब हम ए प्लस बी में से
ए प्लस बी में से ए को घटाएंगे, ए को घटाएंगे तो बचेगा बी। तो इसका मतलब ए प्लस बी का मान दिया हुआ है एक बटे आठ और ए का मान दिया हुआ है एक बटे बारह। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो चौबीस आ जाएगा, आठ त्रिक चौबीस तीन बार में और बारह दुना चौबीस दो बार में, तो एक बटे आ गया चौबीस। ये काम आ रहा है, चौबीस क्या है, एक बटे चौबीस काम है, तो ये हो जाएगा चौबीस दिन हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौदह का जो ऑप्शन है चौबीस आया हुआ है, ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी सही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह पे, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है। इसके बाद जो है सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्या है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह टाइम एंड वर्क का ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट है, इसके बाद हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखते हैं क्या है। कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी जो है, ए बी मिलकर किसी भी काम को 12 दिन में पूरा किया, तो 12 दिन को हम काम में कन्वर्ट करेंगे, काम में बदलेंगे, तो एक बटे बारह काम होगा, एक बटे बारह काम होगा। बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा करता है, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करता है। कहता है बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन को हम कन्वर्ट करेंगे तो एक बटे पंद्रह काम होगा, एक बटे पंद्रह काम। उसके बाद बोलता है सी और ए मिलकर, सी और ए मिलकर किसी भी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो 20 दिन हो गया। अब इस 20 दिन को हम क्या करते हैं, काम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक बटे बीस काम, एक बटे बीस काम। कहता है बी उस कार्य को कितने समय में करेगा, इसमें बी का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा ए प्लस बी प्लस सी निकालना, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे और यहाँ दो दो ठो हर एक चीज मिलेगा, दो ए है दो बी है दो सी है, इसलिए दो यहाँ ना लिख के हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बट्टे दो लिखेंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन है एक बट्टे बारह है ए का, ए प्लस बी का जो वैल्यू है एक बट्टे बारह है, बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो एक बट्टे पंद्रह है और उसके बाद एक बट्टे बीस है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो बीस दिया साठ हो जाएगा, बारह पंचे साठ पाँच बार में, पंद्रह चौका सात चार बार में, बीस दिया सात तीन बार में, तो ये हो गया एक बट्टे दो, चार तीन सात, सात पाँच बारह बट्टे में साठ, बारह का बारह बारह पंचे साठ, तो ये एक बट्टे पाँच दुना दस हो गया। ये काम है। अब हमें बी का वैल्यू निकालना है, बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस सी में, ए प्लस बी प्लस सी में हमें बी निकालना है, तो ए प्लस सी को घटा देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे एक बट्टे दस हो गया। और यहाँ पे ए सी का वैल्यू चाहिए, ए सी का वैल्यू ये हुआ एक बट्टे बीस, एक बट्टे बीस। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो बीस आएगा, तो ये हो गया दो माइनस एक, तो ये घट के आ गया एक बट्टे बीस काम। अब इस काम को हम क्या करेंगे, दिन में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा बीस दिन। तो क्वेश्चन नंबर पंद्रह का जो आंसर है वो 20 दिन आया है, ऑप्शन इसमें चार सही होगा, ऑप्शन नंबर चार जो कि 20 है वो हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।